नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश, आप देख रहे हैं नितिन फॉर यू। और इस चैनल के इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कि जो वेबसाइट्स होती है वो किस तरह से काम करती है, या फिर हम वेबसाइट्स वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज मैं वेबसाइट्स के बारे में ही आपको बताने जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि हम रोज ही ऐसे नए नए वीडियोज बनाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको वेबसाइट्स मालूम नहीं है, आपके आपको तो बेसिक कंसेप्ट वेबसाइट्स के बारे में मालूम नहीं होंगे, क्योंकि आप रोज ही सर्फिंग करने वालों में से एक है। लाखों लोग रोज ही इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, गूगल पर सर्फिंग करते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स तैयार करते हैं, या फिर कुछ लोग वेबसाइट तैयार करते हैं, कुछ लोग वेबसाइट्स का यूज करते हैं अलग अलग इसमें से अलग अलग तरीके से। तो वेबसाइट क्या होती है दोस्तों? एक बेसिक फंडामेंटल है, वेबसाइट मीन्स एक ऐसा एक डेटाबेस होता है जहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। उनकी अब एक इन्फॉर्मेशन है, उस आदमी को, उस बंदे को एक इन्फॉर्मेशन मालूम है, या फिर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, अंडा है उसको मालूम है, क्योंकि एक मैथमेटिशियन हुआ तो उस मैथमेटिशियन को मैथ इन कंसेप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में उसको बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। तो वो क्या करेगा, अपनी एक वेबसाइट खोलेगा और वेबसाइट खोलेगा और उस पर ये सारी अपलोड करेगा इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से वेबसाइट वर्क करती है। और जब कोई गूगल पे या फिर अलग तरीके से व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज द बेसिक फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा कुछ सर्च करता है तो गूगल सीधे उसकी वेबसाइट दिखा देता है। तो उस पर क्लिक करने के बाद वो सीधे उस वेबसाइट पर भेज दिया जाता है और वो उस वेबसाइट से जो भी इन्फॉर्मेशन काम की होती है वो कॉपी नोट डाउन करके ले लेता है, इसका इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से वेबसाइट रन करती है और इसको यही वेबसाइट कहते हैं, एक ह्यूज इंफॉर्मेशन का एक कलेक्टेड डाटा, मतलब कलेक्टेड चीज, उसको वेबसाइट कहते हैं। तो अब मेरे पास सपोज मेरी भी खुद की वेबसाइट्स है। अब वेबसाइट्स में दो चीज़ें होती हैं, एक बिजनेस की और एक पर्सनल वेबसाइट। तो बिजनेस की वेबसाइट में दोस्तों ऐसा होता है कि जो बिजनेस वाली वेबसाइट्स है उसमें तो ऑनलाइन स्टोर्स की वेबसाइट हो सकती है, या फिर ई कॉमर्स की वेबसाइट हो सकती है, या फिर उसमें कई और टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स की वेबसाइट हो सकती है। जैसे कि और पर्सनल वेबसाइट्स में सिर्फ आप एक आदमी हैं, आपको दुनिया को इंट्रोड्यूस करना है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस तरह से रहता हूँ। और आपको अगर आपके तरह सिमिलर जीने वाली कम्युनिटीज को ढूंढना है तो पर्सनल वेबसाइट यूज़ करते हैं दोस्तों। तो पर्सनल वेबसाइट कैसे, तो पर्सनल वेबसाइट और बिजनेस वेबसाइट से दो टाइप होते हैं। तो वेबसाइट क्या होती है दोस्तों, व्हाट इज, ये तो आपको समझ में आ गया। तो अब वेबसाइट हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं? तो वेबसाइट के भी हम आपको तो पैसा, आपको अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम हो तो वेबसाइट के बारे में, तो आप सोचेंगे अरे यार अपन वेबसाइट नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके लिए कुछ मंथ के इतने इतने पैसे लगते हैं और हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो या फिर हमें घर वाले ऐसा पैसे देंगे कि नहीं, ये भी नहीं मालूम। तो इसके लिए मैंने कुछ वेबसाइट्स भी ढूंढ के रखी है दोस्तों। जैसे कि दो वेबसाइट्स हैं, एक फ्रीनॉम नाम की जो डोमेन देती है और एक होस्टिंगर नाम की जो होस्टिंग देती है। ये दोनों वेबसाइट्स फ्री नहीं है, पर उसमें से कुछ ऐसे सिंपल सिंपल हैशटैग्स है, कुछ सिंपल सिंपल फॉर्म वगैरह जैसे जो होते हैं ना एंड के टेल टैग्स, तो वो फ्री में है, जैसे TK, CL, GA, GQ, इस तरह से होस्टिंग पे हम होस्टिंग फ्री में ले सकते हैं और फ्री में हम फ्री में डोमेन ले सकते हैं। तो ये हुआ होस्टिंग डोमेन और होस्टिंग का। तो डोमेन और होस्टिंग क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए होस्टिंग, होस्टिंग क्या है, होस्टिंग सो होस्टिंग क्या है और डोमेन क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दूँ होस्टिंग और डोमेन के बारे में। तो होस्टिंग क्या है मैं बताता हूँ। अगर आप कोई बंगला खरीदने जा रहे हैं तो बंगला खरीदने जाने के लिए आपको एक प्लॉट लेना होगा, एक खाली प्लॉट, और उस खाली प्लॉट पे आपको बंगला बांधना होगा। तो उसी तरह से डोमेन और होस्टिंग काम करती है। तो होस्टिंग एक खाली प्लॉट है, एक खाली प्लॉट होस्टिंग है, और डोमेन जो है, ये डोमेन जो फैक्ट है
डोमेन है एक घर, एक घर है डोमेन, ये डोमेन है प्लॉट में बना हुआ एक घर, तो इसको बोलते हैं डोमेन। होस्टिंग इज प्लॉट, डोमेन इज हाउस। तो जिस तरह से आपको अगर डोमेन इसमें कोई चक्कर तो ये वेबसाइट इस तरह से क्रिएट होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ होस्टिंग, होस्टिंग प्लस डोमेन गिव्स वेबसाइट। डोमेन प्लस होस्टिंग गिव्स यू अ वेबसाइट। सो इस तरह से चक्कर काम करता है, डोमेन प्लस होस्टिंग इक्वल्स टू वेबसाइट, अ कंप्लीट वेबसाइट। सो होस्टिंग लिया, डोमेन लिया तो आपको होस्टिंग तो लेनी पड़ेगी, होस्टिंग ली तो डोमेन लेना पड़ेगा, दोनों आधे अपने एक एक के बिना। अगर आपने होस्टिंग नहीं ली तो डोमेन नहीं ले सकते, डोमेन लिए तो होस्टिंग नहीं ले सकते। पर अगर आपको कंप्लीट वेबसाइट लेनी है, ये कंप्लीट सर्वर कंप्लीट करना ही है, तो आप अगर डोमेन पहले लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, होस्टिंग पहले लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे कई वेबसाइट्स है, मैंने अभी भी बताया था आपको कि होस्टिंग और डोमेन फ्री देने वाले कई भी वेबसाइट्स है। फ्रीनोम है जो फ्री डोमेन लेता है, और होस्टिंगर है जो फ्री होस्टिंग देता है। और इस सबके सिवा एक और वेबसाइट भी है जो आपको होस्टिंग और डोमेन इन दोनों के चक्कर में गिरने ही नहीं देती। इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है आपको। आपको सिर्फ एक ऐप इंस्टॉल करना है अगर आप एंड्रॉयड यूजर है, या फिर आपको सीधे एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है वर्डप्रेस। आप में से कई लोगों ने सुना होगा वर्डप्रेस के बारे में। सो दिस इज अ फ्री वेबसाइट, यहाँ से आप फ्री वेबसाइट बना सकते हैं और आपको किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती, ना आपको होस्टिंग लेनी है ना आपको डोमेन लेना। जस्ट सिंपली एंटर योर आईडी, ईमेल आईडी, देन योर पासवर्ड, योर होस्टिंग साइट, या वो सेल्फ होस्टेड हो या फिर ऐसी हो, या फिर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट लेनी हो, तो बस आपको उसमें नाम लेना है और डालना है नीचे www, अपने वेबसाइट का नाम डालना है उधर और एंटर कर देना है, आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। फिर आपको वर्डप्रेस में हजारों लाखों थीम्स मिलेंगे जिन थीम्स से आप ये सब कर सकते हैं। तो होस्टिंग में आपको क्या मिलते हैं फीचर्स में बताता हूँ। जैसे आप प्लॉट लेते हैं तो आप प्लॉट लेते से देखते हैं वहाँ पे बोरवेल है हो सकते है का। उसमें बोरवेल है क्या? बोरवेल है तो आपको पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाहर से पानी नहीं लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद का बोरवेल होगा तो आप खुद बोर से पानी ले सकते हैं, या फिर आपको गार्डन लगाना है तो अच्छी मिट्टी है क्या वहाँ पे, या फिर जो भी आपको चीजें चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से होस्टिंग होती है। तो होस्टिंग में आपको मिलता है सी पैनल मीन्स कंट्रोल पैनल। इस पैनल में आपको हर चीज आपकी वेबसाइट के बारे में मिल जाती है, डोमेन के बारे में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होस्टिंग पे होती है। होस्टिंग में आपको सी पैनल मिलता है, सी पैनल में आप गए वहाँ पे लाखों नहीं होंगे, इतने सारे एप्लीकेशन होते हैं कि वहाँ पे आपको हर एक चीज़, अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट हो तो बिजनेस की वेबसाइट के नीचे अलग आइकॉन्स होते हैं, तो उसमें ऑटो इंस्टॉलर नाम का डिवाइस भी होता है। उस सी पैनल पे आप जैसे क्लिक करेंगे ऑटो इंस्टॉलर पे तो वहाँ पे लाखों थीम्स मिलेंगी और उस मतलब लाखों ऑप्शंस मिलेंगे। तो नीचे जाने के बाद कम्युनिटी में ऑप्शन में आपको वर्डप्रेस दिखेगा। वर्डप्रेस इज वेरी सिंपल। आज पहले ऐसा था जब वर्डप्रेस नहीं था तब लोग होस्टिंग और डोमेन वेबसाइट शुरू करना एक बहुत बड़ा टास्क था। आपने होस्टिंग भी ले ली, डोमेन भी ले लिया, बट द बिग टास्क इज आपको वेबसाइट की थीम तैयार करनी है, वेबसाइट तैयार करनी है। तो उसके लिए आपको अलग से बहुत काम करना पड़ता था, आपको HTML, जावा ऐसे अलग अलग जावा स्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी, खासकर HTML सीखना पड़ता था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती थी अगर आपको होस्टिंग और अगर आपको वेबसाइट शुरू करनी है। तो ये सब
चीजें कट कर दी गई जब वर्डप्रेस आया, वर्डप्रेस के आया इसलिए आपको HTML वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ने लगी, फिर लोग सीधे वर्डप्रेस ऑटो इंस्टॉल पे आपके सी पैनल पे शुरू कर देते, और सी पैनल शुरू करने के बाद आपको वर्डप्रेस भी दिख जाता, तो वर्डप्रेस शुरू होते ही वर्ड सर्वर पे आपको आपका यूजर आईडी मिल जाता वर्डप्रेस का, आप सीधे वर्डप्रेस पे जाते हैं, लॉग इन करते और वहां से अपनी साइट मैनेज करने लगते। तो इस तरह से होस्टिंग और वर्डप्रेस, होस्टिंग और डोमेन पे एक बार आपने काम कर लिया, अपना वर्डप्रेस पे अकाउंट खोल लिया, होस्टिंग और डोमेन भी कनेक्ट कर लिया, उससे सी पैनल पे आपने डाउनलोड कर दिया, सर्वर पे आपने वेबसाइट के वर्डप्रेस, तो आपको इन दोनों चीजों को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी जब तक आपका प्लान एक्सपायर नहीं होगा तब तक। तो अभी सारे जितने भी रहते हैं ये सब वर्डप्रेस ही इस्तेमाल करते हैं, वर्डप्रेस पे हजारों लाखों थीम्स फ्री में मिलती है दोस्तों। तो आपको पहले बनानी पड़ती थी थीम्स, अब आपको फ्री में मिल रही है, तो आप लोगों को तो कन्वीनियंस ही चाहिए, और वर्डप्रेस सब फ्री में देता है। अगर आपको एक वेबसाइट ये होस्टिंग और डोमेन की चाहिए ही नहीं, तो आप सीधे वर्डप्रेस शुरू कर सकते हैं। मैं आपको इसको ड्रॉप करके दिखा देता हूँ। सो मैं दिखाता हूँ आपको वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में क्या होता है, आप कोई भी एक डोमेन नेम चूज कर लेते हैं सीधे ऐप से, यहाँ पे xyz.com सीधे आपको कॉम नहीं लगता है दोस्तों, आपको जैसे ओरिजिनल डोमेन में सीधे कॉम लगता है xyz ऐसा xyz.com, तो ऐसा सीधा कॉम नहीं लगता है, आपको बीच में वर्डप्रेस लग जाता है xyz.wordpress.com। जैसे मेरी खुद की साइट है akhileshsonarikal.wordpress.com, तो इस तरह से ऐसा वो लग जाता है, आपको आगे कॉम लगाने से पहले आपको वर्डप्रेस आ जाता है। पर ये भी एक वेबसाइट ही है, इसमें आपको होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, डोमेन नहीं लेने की जरूरत पड़ती, आप सीधे डाउनलोड करें ऐप को, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करें और वर्डप्रेस पे वेबसाइट मैनेज करने लगे, या फिर दूसरे भी कई थीम्स हैं जैसे होस्टिंग और डोमेन ले सकते हैं, हजारों लाखों वेबसाइट्स हैं जो होस्टिंग फ्री में देती है और सर्विस भी अच्छी देती है, तो उन सब से आप कर सकते हैं। पर अगर आपको सिर्फ खुद को इंट्रोड्यूस करना है और खुद के लिए एक वेबसाइट खोलनी है कि भाई यार मेरे को वेबसाइट खोल के देखनी है कैसी होती है वेबसाइट, तो कैसे ऑपरेट करते हैं, तो आपके लिए वर्डप्रेस इज द बेस्ट ऐप, आई रिकमेंड फॉर यू। If you want to open the website, you can open this website from WordPress. I suggest you. If you want to open your personal website for time pass or for checking what is the website, what in which manner it works, so you will select this WordPress website. I suggest you please, if you want to take website for time pass, you can use this website. This website server, wordpress.com. अगर आपको वैसा लेना है तो, नहीं तो आपके पास और भी कई ऑप्शन है, होस्टिंग लीजिए, डोमेन लीजिए, फिर उस पे सर्वर पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कीजिए, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद उसको शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से आप हो गया ये तो सब वर्डप्रेस के बारे में और अलग अलग चीजों के बारे में। अब इसमें भी कई ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लाखों थीम्स मिलेंगी, आप जो चाहे वो थीम सिलेक्ट कर लीजिए, कस्टमाइज कर लीजिए वेबसाइट को, बहुत कुछ आपको मिलेगा वर्डप्रेस पे। सो इस तरह से आप कॉम वगैरह को कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सब हुई, मैंने जो सब बताया ये सब है वेबसाइट के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए या फिर सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि आप रोज़ ऐसे हमारे वीडियोस कलेक्ट करते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।